ओके तार भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले एक और नए ब्रांड न्यू बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में हो चुका है भाई लॉन्च। जी हां गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 4G इसी फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में आपको अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। एंड भाई, इस प्राइस सेगमेंट के साथ में क्या ये फोन गेमिंग के लिए एक बेटर ऑप्शन होने वाला है या नहीं, यही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 4G इसी फोन के गेमिंग रिव्यू के बारे में, जानेंगे कि भाई ये फोन गेमिंग में कैसा होने वाला है और इस फोन का आपको गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप और इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी मोबाइल या फिर BGMI में आपको ये बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट के साथ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है भाई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तार, बात करते हैं भाई इस फोन के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में। तो बैक पैनल में आपको रेक्टेंगुलर शेप में 3 कैमरास की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। वैसे तो यहाँ पे आपको 5 खड्डे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली 3 कैमरास ही देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको इन्फिनिटी वी वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कर्व्ड एजेस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई ओवरऑल लुक एंड अपीयरेंस के मामले में इसके प्राइस को कंसिडर करते हुए ये फोन काफी ज्यादा गुड लुकिंग स्मार्टफोन निकल के आता है। आपको ये लुक एंड अपीयरेंस के मामले में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस फोन में जो आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड जो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वाइट इंप्रेसिव वाली देखने को मिल जाएगी। पर जो भी हो, हम लोग इन्फिनिक्स हॉट 12 4G इस फोन के हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स और इसकी प्राइस सेगमेंट के बारे में तो इस वीडियो के लास्टली डिस्कस तो करने ही वाले, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में एंड जान लेते कि भाई आखिर फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से भाई हम स्पेस करने वाले हैं पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, इन दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में मीडियम। जी आ गए, इससे आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है भाई स्मूथ और मीडियम। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में भी मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 25 FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में भी आप 25 FPS में गेम प्ले कर पाओगे भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 4G इस फोन के साथ में। देखकर इसकी ग्राफिक्स सेटिंग देखने के बाद में आप ये समझ ही गए होंगे कि भाई जो स्मार्टफोन होने वाला है वो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी बेटर ऑप्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम के लिए 25 FPS देखने को मिलना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफिकेशन वाला काम देखने को नहीं मिलता है। कम से कम यहाँ पे अगर 40 FPS भी देखने को मिल जाता तो फोन कहीं ना कहीं कंसिडरेबल भी था, बट 25 FPS में आप सभी को पता है कि भाई गेम प्ले करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा ही बन जाता है। भाई फोन लैग कर रहा है, फ्रेम ड्रॉप कर रहा है, या फिर फोन आपको FPS इतने प्रोवाइड करके दे रहा है ये समझ में ही नहीं आता है, तो गेमिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल सा बन जाता है भाई इस ग्राफिक्स के साथ में। तो गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स हॉट 12 4G जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो बिल्कुल बेकार स्मार्टफोन निकल के आता है। गेमिंग के लिए इस फोन को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। हालांकि डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल वर्क में आपको ये बिल्कुल भी डिस्पोर्ट नहीं करेगा। अगर आप एक कैजुअल गेमिंग भी करते हो, यानी कि टेम्पल रन, सबवे सफर जैसे गेम अगर आप खेलते हो, तो आपको उसमें भी ये डिस्पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट पबजी मोबाइल या फिर BGMI जैसे हाईएस्ट ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम को अगर आप इस फोन में रन करोगे तो उस कंडीशन में आपको ये फोन थोड़ा डिस्पोर्ट डेफिनेटली करने वाला है। तो गेमिंग के मामले में ये फोन बिल्कुल बेकार ऑप्शन निकल के आता है। वैसे आप आपको जायरोस्कोप भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी बात है कि जो स्मार्टफोन है वो ज्यादा हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर इस फोन में अगर आप 30 या फिर 35 मिनट की भी गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 36-37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, 31 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट तो एवरेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार से देखने को मिलने वाली भाई आपको इस फोन के साथ में। लेकिन वही बात करती कि भाई आखिर आपको इसी परफॉर्मेंस भाई किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली। तो गाइस बात करते भाई इन्फिनिक्स हॉट 12 4G इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.82 इंच का एक 90Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले विद 180Hz के असेंबलिंग रेट के साथ में 460 nits की ब्राइटनेस पीक भी देखने को मिल जाती है। तो भले ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता हो, बट डिस्प्ले के फीचर्स के मामले में, डिस्प्ले के साइज के मामले में आपको इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। काफी ज्यादा बेहतर इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। LPDDR4X RAM एंड EMMC 5.1 ROM का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा भाई, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा जो कि भाई पावर्ड है DTS की तरफ से, जिसमें भाई आपको सराउंड साउंड देखने को मिलने वाला है।
5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद 18W फास्ट चार्जर के साथ में। बैटरी तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग निकल के आती है, पर चार्जर थोड़ा स्लो आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय भी आपको लग सकता है भाई चार्जिंग के लिए। बट बैटरी बैकअप काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में भाई, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक का हीलियो G37। जी हां गाइस, यहां पे आपको मीडियाटेक का हीलियो G37 देखने को मिल जाता है, जो कि भाई 12nm पे बना हुआ चिपसेट है, डुअल 4GB चिपसेट है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में ये मीडियाटेक का हीलियो G35 इतना ही पावरफुल निकल के आता है। और हम सभी को पता है भाई इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी देखने को मिलती है, नॉर्मल वर्क में डे टू डे लाइफ में तो आपको ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट गेमिंग करने जाओगे तो आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये डिसअपॉइंट करने वाला है। तो गेमिंग के लिए चिपसेट बिल्कुल भी नहीं बना है, बट नॉर्मल वर्क में आपको ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो हमारे इंडिया में जो स्मार्टफोन है वो एक ही वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है, 4GB 64GB, जिसका प्राइस रखा गया भाई लिटरली 9500 रुपीज। और ये इंडिया टू प्राइस है, हो सकता है कि थोड़ा बढ़ भी सकता है इसका प्राइस, बट अभी के टाइम के लिए 9500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा भाई फ्लिपकार्ट पे। तो देखा इस प्राइस सेगमेंट के साथ में मैं इस फोन को तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता भाई गेमिंग के लिए, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि भाई 10000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको और भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, जो कि आपको गेमिंग इससे बेटर प्रोवाइड करके देते हैं। तो यार आप सभी की क्या राय है इस स्मार्टफोन के बारे में, मुझे आप एक कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। एंड क्या आप इस फोन को कंसीडर करना पसंद करोगे या नहीं, मुझे आप ये भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। एंड हाँ, अब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो मुझे डेफिनेटली फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड बाकी अगर आपको मोटोरोला मोटो G62 5G की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।